Okay, welcome all of you, semester one, digital electronics. This is Dr. Abhijit Singh Jadeja. I would like to start today how to identify some numbers of octal number or hexadecimal number, because if you cannot understand octal number to binary, if you cannot understand to how to convert hexadecimal to binary, it will be a biggest issue for all the students. So, आज मैं और आप हम सब मिलके स्टार्ट करते हैं कि कोई भी नंबर लिखा है उसका बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर का बाइनरी बनाए तो कैसे बनाए। जैसे कि जीरो का 001, मुझे आप पूछे कि चार नंबर तो मैं बोलूंगा 100, आप बोलोगे थ्री नंबर तो मैं बोलूंगा 01, आप बोलोगे सिक्स नंबर तो मैं बोलूंगा 110। इफ आई कैन रिमेम्बर दिस नंबर, हाउ यू कैन। सो लेट मी स्टार्ट दिस थिंग, इट्स अ वेरी फन थिंग एंड आई होप दैट आई एम सक्सेस टू एक्सप्लेन दिस थिंग। 4, 3, 6, this is an octal number and I want to convert it into binary. First of all, how? 4, 3, 2, बहुत अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि दो मिनट आपका ध्यान यहां होगा, आप बहुत कंफर्टेबल फील करोगे। सो मैं यहां लिख रहा हूं 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 4 बाहर निकालना है, 1, 0, 0, 4 × 1, 4, 2 × 0, 1 × 0, 4, 1 + 0 + 0, तो 4 का बाइनरी बन गया 100। अब 3 का बाइनरी बनाना है, तो आपके पास दो ही है, 2 और 1 के नीचे अंडरलाइन कर दो, 4 के नीचे 0 कर दो, यहाँ 1 कर दो, यहाँ 1 कर दो, 3 बन गया 0, 1, 1। अब 2 का बाइनरी बनाना है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इसका मतलब है 0, 1, 0। अब दुनिया की कोई भी बुक में जाके देख लो, 4 का 100, 3 का 011, 2 का 010, और आपका ये पूरे का पूरा नंबर का जो आंसर बेटा है वो है 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0। पहली बात, यहां 0 आया तो इवन नंबर होना चाहिए और ये इवन नंबर है। अब आप बोलोगे सर ये क्या किया आपने, 1, 2, 4 क्यों लिखा? मैं लिख सकता हूं भाई, क्योंकि 0, 0, 0 से चालू करके ऑक्टल नंबर एंड होता है 1, 1, 1। इसका मतलब ये होता है ये 2 raised to 0, ये 2 raised to, अरे यार, ये 2 raised to 1 और 2 raised to 2। 2 raised to 0 मतलब ये रहा 1, 2 raised to 1 मतलब ये रहा 2, और 4 का कॉम्बिनेशन निकालने के लिए मुझे 1 कहाँ रखना पड़ेगा, 4 के नीचे ही, बाकी दोनों के नीचे 0 रख दूंगा तो 4 का बाइनरी, 3 का कॉम्बिनेशन करने के लिए मुझे 2 और 1 के नीचे 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 + 1 = 3, 4 के नीचे 0 रखना पड़ेगा, तो भैया ये जो 3 है उसका बाइनरी 0, 1, 1। अब 2 का बाइनरी निकालने के लिए सिर्फ 2 के नीचे 1 रखना पड़ेगा, 4 के नीचे ये, ओके, आई रियली एंजॉय दिस। अब दुनिया का कोई भी नंबर है, आप लोगों को कोई टेंशन ही नहीं है। चलो ऑक्टल नंबर के लिए थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद आपके अंदर थोड़ा और कॉन्फिडेंस बूस्टर कर देते हैं, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तभी आपको सीखने में मजा आएगा। सो फाइनली लेट मी स्टार्ट अगेन विद इन अ न्यू नंबर,
Okay. I want to take it 7, 5, 6, 4. पहले तो ये ऑक्टल नंबर है, हाँ है, क्योंकि इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बस, क्योंकि ऑक्टल नंबर 7 तक जाता है। इसका बाइनरी ढूंढना है। सबसे पहली चीज तो ये नंबर के ऊपर नजर डालो और बोलो उसको कि तू क्या है, ये इवन नंबर है, तो जो भी बाइनरी इसमें से बाहर आएगा उसमें लास्ट में 0 होगा। इवन नंबर की लास्ट डिजिट 0 होती है और ऑड नंबर की लास्ट डिजिट 1 होती है। तो ये ऑक्टल जो है उसका बाइनरी निकालना बहुत आसान है। 7 लिया मैंने, 5 लिया, 6 लिया और 4 लिया। 4, 2, 1 थ्री बीट नंबर है इसलिए भाई 4, 2, 1 थ्री बीट नंबर है इसलिए भाई 4, 2, 1 थ्री बीट नंबर है इसलिए भाई 4, 2, 1 थ्री बीट है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ याद रखें, 7 इसमें से निकालना है, ये 3 का सम करना है, तो 4 प्लस 2 प्लस 1 ये सब के नीचे 1, 1, 1 आ जाएगा। और 7 का, 7 जो ऑक्टल है उसका बाइनरी 1, 1, 1 होता है। अब 5 के लिए मुझे ये वत्ता ये करना है, 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 होगा, तो जहां मैंने अंडरलाइन किया वहां पे मैं 1 रखू, 1, 0, 1 और 5 का बाइनरी 110% 101 है, क्योंकि 4 का 100 तो 5 का 101। ओके, 6 का 6 नंबर निकालना है इसलिए 4 प्लस 2 6 होता है, तो जहां मैंने अंडरलाइन की वहां 1 और जहां अंडरलाइन नहीं है वहां 0। अब 4 नंबर निकालना है तो सिर्फ इसमें अंडरलाइन, मतलब कि 1, 0, 0 और आपका इस नंबर का जो बाइनरी बना के मैंने आंसर आपके सामने पेश करना है वो है 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0। सो मेरा लेक्चर चल रहा है, थोड़ी देर के बाद 15 मिनट लगेगी, बाद में मिलने के लिए आओ। ये बाइनरी होगी तो बहुत मजेदार है ये। अब किसी भी ऑक्टल नंबर का बाइनरी ढूंढना है तो माइंड में इतना ही याद रखो कि ये 3-बिट नंबर है, और 3-बिट नंबर है तो इसकी रेंज चालू होगी 0, 0, 0 से लेके 1, 1, 1। तो शू था 2 रेस टू 0, 2 रेस टू 1, 2 रेस टू 2, 2 रेस टू 0 मानी 1, 2 रेस टू 1 मतलब मानी 2, और 2 रेस टू 2 मानी 4। और उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन सेट करो, ये 7 निकालना था तो मुझे ये सब नंबर चाहिए, 4 पॉइंट जो ये 2 पॉइंट जो ये 1 पॉइंट जो ये, एटले 1, 1, 1 मुकू तो 4 गुणिया 1 4 वत्ता 2 गुणिया 1 एटले 2 वत्ता 1 गुणिया 1 एटले 1, 4 प्लस 2 प्लस 1 7। सो आप लोगों के लिए बहुत आसान था। अब हम जो काम करने जा रहे हैं वो है हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल का बाइनरी बनाना है। जैसे ऑक्टल का बाइनरी सीख लिया बेटा, वैसे हेक्साडेसिमल का बाइनरी सीखना है और समझना है, तो बस यही मेथड है। बट यहाँ था 1, 2, 4, 1, 2 का 4 माय नेम इज लखन की जैसे 1, 2, 4, बट हेक्साडेसिमल में आएगा 1, 2, 4, 8 भी, क्योंकि 0, 0, 0 से चालू करके 1, 1, 1। तो चलो हेक्साडेसिमल 8, B, 6 ये है हेक्साडेसिमल इक्वल टू, ढूंढना है बाइनरी। सबसे पहले ये मैं 8 यहां लगा देता हूं,
यहाँ मैं बी लिखता हूँ, सॉरी वहां नहीं लिखूंगा, मैं थोड़ा दूर लिखूंगा क्योंकि ये 4-bit नंबर है ना, तो जगह देनी पड़ेगी। और बी का मतलब है 11, ए मतलब 10, बी मतलब 11, 12 मतलब सी, 13 मतलब डी, 14 मतलब ई, 15 मतलब एफ, बस रुक जाओ क्योंकि 15 आ गया, और ये 6 एज इट इज लिखूंगा। जैसे वहां 1, 2, 4 लिखा था, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1, 2, 4, 8, सेम 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8। मैथ्स बहुत कमाल की चीज है, कॉम्बिनेशन हमेशा यूनिक ही बनता है। ये कंप्यूटर है और कंप्यूटर में मैथ्स आएगा तो ही मजा आएगा, बाकी नहीं आने वाला। ओके सॉरी टू डिस्टर्ब, 8 है ना, तो इसका कॉम्बिनेशन एक ही बनेगा, यहाँ एकड़ो 0, 0, 0। ये 11 बनाने के लिए मुझे कौन से नंबर की जरूरत है मालूम, 8 + 2 + 1, आने नीचे एक, आने नीचे एक और आने नीचे एक, क्योंकि 8 + 2 = 10, और 10 + 1 = 11, 1, 0, 1, 1। 6 के लिए मुझे ये और ये 1 चाहिए, बाकी सब 0 चाहिए, 0, 1, 1, 0। और आपने जो नंबर दिया था उसका बाइनरी आपके सामने आ चुका है, वो बाइनरी है 1000 का 1000 और 8 का 1000 है, क्योंकि आप लोगों को जब मैंने 4-5 लेक्चर पहले बोला था तभी भी आपने बोला था कि सर 111 है उसमें 001 ऐड करेंगे, 1 + 1 = 0 carry 1, 1 + 1 = 0 carry 1, 1 + 1 = 0 carry 1। और आप ही में से एक लड़की बोली थी हार्दिक कि सर अब तो वो 3-bit नहीं 4-bit हो गया, 8 का 4-bit हो गया, फिर है 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0। और ये बाइनरी नंबर है आपका, ये जो नंबर दिया गया था उसका, कुछ नहीं है बेटा, यूनिक कॉम्बिनेशंस हमेशा ऐसे ही बनते हैं। मैथ्स के ऊपर बहुत जोर मत डालो, उसका मजा लो, फन करो। 11 का कॉम्बिनेशन एक ही लेवल से बनता था 8 + 2 + 1, 6 का कॉम्बिनेशन एक ही लेवल से बनता है 4 + 2, 8 का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आप सोचोगे तो भी 4 + 2 + 1 तो 7 होने वाला है, इसलिए 8 के नीचे ही 1 रखना है, बाकी सब तो 0 करना है। मजा आ गया यार, जबरदस्त। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक ऑक्टल नंबर है और उसका हेक्साडेसिमल करना है, क्योंकि आज की एक नई मेथड है, ये तो सिर्फ रिमेम्बरेबल मेथड थी, कन्वर्ट ऑक्टल टू स्टार्ट करें। बहुत आसान है, बहुत आसान। 6, 4, 5 ये ऑक्टल दिया गया है, इसका ढूंढना है हेक्साडेसिमल। कैसे? बहुत आसान तरीके से ढूंढ लेते हैं और मजा आने वाला। 6, 4, 5 ऑक्टल नंबर है, तो मैं यहाँ 1, 2, 4 लिखने वाला हूं, आपको कोई डाउट है ही नहीं, 1, 2, 4 थ्री बीट है इसलिए 1, 2, 4। कॉम्बिनेशन 6 का, ये और ये एक होंगे तो ही 6 बनेगा, इसलिए 1, 1, 0। 4 के लिए सिर्फ ये 1 चाहिए, बाकी सब 0, 1, 0, 0। 5 के लिए सिर्फ ये और ये होगा तो ही 5 बाहर आएगा, बाकी नहीं, तो 1, 0, 1। अब ये जो सभी नंबर है उसको मैं मर्जब कर रहा हूं, कैसे? 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1,
6451645 का बाइनरी आ गया, बट अब तो हेक्साडेसिमल ढूंढना है। हेक्साडेसिमल के लिए आपको मालूम है ये रेड, और हेक्साडेसिमल चार बीट नंबर है तो मैं चार के नीचे अंडरलाइन चालू कर दिया हूँ, देखो, और ये वन अकेला रह गया तो उसके आगे तीन जीरो लगा दिए मैंने। अब तो बहुत आसान है, 101 मतलब 5, 10 का मतलब है 10, और फिर भी आप लोगों को ये याद नहीं रहता तो मेरे पास वो टेक्निक तो है ही, 1 2 4 8 मल्टीप्लाई 0 0, 4 मल्टीप्लाई 1 4, मैं 4 + 1 = 5 उल्टा, जैसे उस नंबर में से मैंने बाइनरी निकाला वैसे बाइनरी से ही निकाला। बहुत फन है ये, 1 2 4 8 ये और ये ही है, 8 + 2 = 10, ये 1 2 4 8 सब में ऊपर 0 0 है बट यहाँ पे 1 है, बट कभी भी 10 को 10 नहीं लिखा जाता इसलिए मैं लिखता हूँ 1 A 5, और ये जो आपने ढूंढा है वो है हेक्साडेसिमल। So it is a very very simple thing that I want to say that by this way I convert 645 into hexadecimal and the answer is 1A5, hexadecimal to octal. Let me begin without wasting time, I have only few minutes in my hand, so I'm using 6B4. This is hexadecimal, and I want octal. So 6B का होगा 11, हाँ, और ये 4. 1 2 4 8 हेक्साडेसिमल है इसलिए भैया 1 2 4 8, 1 2 4 8, 6, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 and 2 0 1 1 0, 11, 11 always predict with 8 + 2 + 1, उसके सिवा कोई combination बनेगा ही नहीं, तो जो हाँ underline है 1 0 1 1, 4 का combination एक ही हो सकता है, ये 4 के नीचे underline की, बाकी सब 0 0 1 0 0, इस number को उठा के मैंने ले लिया 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1, पीछे के 0 को इम्पोर्टेंट देना है, इसलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, ये तीन, इसलिए मैं यहां लिखूंगा 1 2 4 1 2 4, 3 बीट है इसलिए भैया 4 बीट होते तो 8 तक जाते, 1 2 4 1 2 4, फटाफट बोलो 1 यहाँ पे, सॉरी इट इज माय मिस्टेक, 2 + 1 = 3, और हकीकत में 0 1 1 का 3 मतलब है, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे है 1 1 0, इसका मतलब 6 4 + 2 6 ही होता है 6, और 100 का मतलब है 4, सिक्स बी फोर नंबर का ऑक्टल 3264 है।
हेक्साडेसिमल को बाइनरी में बनाया, बाइनरी हेक्साडेसिमल था इसलिए 3-bit नंबर चाहिए हमको ऑक्टल, तीन तीन के नीचे अंडरलाइन बनाया, क्लस्टरिंग किया और तीन के नीचे तो आपको मालूम है 1, 2:0, 1, 2:1, 2, 2:2, 4, that's it. So thank you so much to learn with Dr. Abhijit Singh Jadeja. आसान बना दिया ऑक्टल का बाइनरी, हेक्साडेसिमल का बाइनरी, क्योंकि ये याद रहेगा तो ही आप ऑक्टल का बाइनरी सीखोगे, हेक्साडेसिमल का बाइनरी सीखोगे, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल डायरेक्ट कन्वर्जेशन, और अभी अभी आपके सामने है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल भी हमने लिया है. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. Thanks a lot.